आंटी प्राची अब कैसी है? अब बहुत ब्लीडिंग हो रही, उसका मैचिंग ब्लड हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा, जब तक ब्लड नहीं मिलेगा कुछ बता नहीं सकता। पानी अब मैं पूछता हूँ डॉक्टर, ब्लड मिल गया। वेरी गुड, मेक इट फास्ट, आई विल टॉक टू लेटर। अगर ब्लड देने के बाद भी ये एक घंटे तक बेहोश रही तो हमें फैमिली वालों को बताना ही होगा, प्राची कोमा में जा सकती है। मैं चाहता था कि आप यहाँ पे खड़ी हो और आप इसको देखें और इससे खुद पूछे इसने ऐसा क्यों किया। मैं आप ही का वेट कर रहा था। आप लोग कौन है आप लोग? और ये मुझे यहां क्यों बांधा है? छोड़ दे मुझे। चुप। सच सच बता मुझे, प्राची का एक्सीडेंट क्यों करवाया था? कौन प्राची? कैसा एक्सीडेंट? और आप लोग कौन है ये मैं नहीं जानता। मैं कौन हूँ बताओ तुझे, मैं कौन हूँ? मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा था, तूने जान बूझ के प्राची का एक्सीडेंट कराया। तू ब्रेक मार सकता, तूने मारी नहीं, तू करा मुझे प्राची के लिए ब्लड डोनर मिल गया है, हम उसे ब्लड दे रहे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वो सरिता जी ने कहा था आपको फोन करके बता दूं, सो दैट आप परेशान ना हो। थैंक यू डॉक्टर, आप प्लीज मुझे प्राची की अपडेट देते रहिएगा, प्लीज। थैंक यू। जी। क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोला? प्राची को ब्लड दिया, उसे ब्लड दे रहे, शी माइट बी आउट ऑफ डेंजर। अब बता क्यों करा एक्सीडेंट? क्यों कराया? किसके कहने पे कराया? देख मैं आखिरी बार जिंदगी आर्यन, तुम लोग बाहर जाओ, मैं बात करती हूँ। पर ट्रस्ट मी प्लीज। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। आर्यन प्लीज चलो। आई विल बी फाइन। अब घबराइए मत, मैं आराम से बात करूंगी। वो गुस्सा दिखा रहा और तुम प्यार से बात कर रही हो, ये झूठ मूठ का नाटक कुछ पे नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ सच जानना है और कुछ नहीं। सच तो यही है कि सच कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे हैं? हाँ, क्यों? ऐसे ही पूछ रही हूँ ताकि आप मेरी बात समझ तो सके। आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है 20 साल की। मेरी प्राची भी 20 साल की है पर मुझे बिल्कुल बच्ची लगती है। उसे कुछ नहीं समझ में आता, ये दुनिया का हेर फेर, दुनिया से लड़ना नहीं आता उसे। मेरी बच्ची उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। मेरे पास कोई धन दौलत, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास ये चेन है कि 20 साल से मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा नहीं। आप ये ले लीजिए प्लीज, लेकिन मुझे बता दीजिए कि वो प्राची को कौन मारना चाहता है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करना चाहते। आपकी प्राची से कोई दुश्मनी नहीं है, इन प्राची की किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। मेरी बच्ची वो किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, कोई उसका बुरा क्यों चाहेगा? कभी कभी ना किसी की अच्छाई उसकी दुश्मन बन जाती है। लोग आपकी अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। और नहीं, ये सब मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं है। आप सब जानते हैं, आप मुझे इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि आप मेरी तकलीफ नहीं समझते। अगर जो मेरी बेटी के साथ हुआ ना, वो आपकी बेटी के साथ होता तो आपको मेरी तकलीफ का एहसास नहीं है। आप कम से कम मेरी तकलीफ महसूस करने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। प्लीज प्राची जब से आई है होशियारपुर से, उसके साथ सब गलत हो रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ गलत होता है उसके साथ, और उसने कभी कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो इतना टूट गई थी कि वो शहर छोड़कर जाना चाहती थी।
मैंने उसे रोक लिया। मुझे बड़े शहर का लालच नहीं है, बस मुझे उसके फ्यूचर की इतनी फिक्र है ना। लेकिन ऐसे बनेगा फ्यूचर, ऐसे बनेगा वो। आपको पता है पहले वो किडनैप हो गई, पता है कितनी मुश्किल से छूटी वो। उसके बाद कोई भी आकर उसमें कोई भी इल्जाम लगा देता है मेरी बच्ची पे। हर रोज कोई नई मुसीबत, कोई नई मुश्किल। वो भी इंसान है ना, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसके साथ रहूं, हिम्मत। लेकिन आज जब उसकी जान पे बना है ना, मेरी हिम्मत टूट गई। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये आप अपने पास रख लीजिए। आप अगले महीने में मैं आपको और पैसे ला के दे दूंगी। आपको जितना पैसा चाहिए मैं ला के दूंगी। आप प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को बचा पाऊँ। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज बता दीजिए। प्लीज आपको अपनी बेटी का वास्ता है। प्लीज नहीं, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आपने मेरी बेटी का वास्ता दिया ना, इसके लिए मैं सब सच सच बताऊंगा। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये एक्सीडेंट करवाया है। प्राची के एक्सीडेंट के लिए मुझे 2 लाख मिले थे, उसके बाद 4 लाख रुपए और दिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ बहुत बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी मुझे। फिर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैडम मुझे सब कुछ पता है। क्या और क्या पता आपको? जो प्राची के साथ अब तक हुआ है, क्योंकि मेरे बॉस का काम ही ऐसा है। वो स्पेशल लोगों को इस क्लाइंट का ऑर्डर देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया आपको? ये क्लाइंट, स्पेशल क्लाइंट कौन है? रिया मेहरा। वो ऐसा नहीं कर सकती। आप प्राची के साथ आज तक जो भी हुआ वो रिया ने किया। आपसे एक बात कहूं? हाँ। आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक प्राची। सच जाना था ना आपको, तो आपको सच सुनना पड़ेगा। प्राची की हर प्रॉब्लम का कारण रिया मेहरा है। ड्रग्स का केस हुआ था प्राची के साथ, उसके बैग में जो ड्रग्स मिले थे ना, वो निस ने डाले थे, पर रखवाए थे रिया ने, ताकि पुलिस प्राची को अरेस्ट करे। बर्थडे पार्टी में जब प्राची और शाना वेटर बने थे ना, तब उस पे चोरी का इल्जाम लगा था, वो भी रिया ने लगवाया था। मिस्टर मेहरा की पार्टी में प्राची के कैरेक्टर पर सवाल उठे थे ना, वो भी रिया ने उठाए थे। प्राची की किडनैपिंग भी रिया ने करवाई थी। आज तक प्राची के साथ जो भी गलत हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ रिया ने ही करवाया है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है ना? तो मेरा फोन वहां पड़ा, आप चेक कर सकते हैं। मेरा पासवर्ड है 786। कॉल डिटेल्स देखो, लास्ट की सारी कॉल रिया के नाम से है। उससे पैसे लेने के लिए मैं हॉस्पिटल गया था। मैसेजेस देखो, उसके ही सारे मैसेज हैं। गैलरी में देखो, प्राची की फोटो मिलेगी आपको। इसे मारना है ये कंफर्म करने के लिए रिया ने मुझे भेजी थी। सही कह रही है, कभी कभी अच्छाई आपकी दुश्मन बन जाती है। आपकी बेटी शक्ल से भली दिखती है, और भले लोगों का इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है।
राम प्यारे सिर्फ हमारे स्पेशल पार्टनर जेड ब्लैक अगरबत्ती 5 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। आज तक प्राची के साथ जो भी गलत हुआ है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिया ने नहीं करवाया है। प्राची की हर प्रॉब्लम का कारण रिया मेहरा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे रिया ने, कल रात जब घर आई थी तो रिया ये तुम यहाँ कितनी रात, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो तुम चलो अंदर चलो। I'm sorry आंटी, I'm really sorry, मैंने आपको बहुत परेशान किया था। मैंने आप अरे रिया 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 नो बच्चे नो, you don't have to be sorry for anything, कुछ नहीं हुआ। देखो तुम्हें चोट लगी है, मेरी तरफ देखो, मेरे साथ अंदर चलो, ओके? हम कम विद में। नहीं आंटी, I'm drunk. So, I'm not judging you. मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगी। लेकिन इतनी शराब तो नहीं पीनी चाहिए ना कि तबीयत खराब हो जाए। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसी ड्रिंक पिलाऊंगी कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मूड भी ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ रिया के साथ? परेशान तो वो, इस पे तो डोनट मेस पे इतनी लिखा, इट्स माय फेवरेट एंड यू आर माय फेवरेट, तुम रख लो। रियली रियली थैंक यू थैंक यू। अब बताओ इतनी शराब क्यों पी? नो आई एम नॉट जजिंग यू, शराब पीने वाले बुरे नहीं होते, लेकिन इतनी ज्यादा पी लेना उसकी कोई तो वजह होगी। वो मैं डिस्टर्ब थी आंटी। व्हाई, क्यों? क्योंकि डैड ने कहा था कि वो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे लाकर देंगे। और जब कहा कि लाकर देंगे तो डिस्टर्ब होने वाली क्या बात थी? वो आंटी वो रात में डिस्टर्ब थी और डैड ने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि रणवीर मेरा ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने प्राची को मारने का प्लान बना लिया। ये भी नहीं सोचा कि प्राची की मॉम को कितना बुरा लगेगा, और जब सोचा तो उनसे मिलने गई, उनसे बात की, लेकिन उन्हें मेरी कोई बात नहीं समझ में आई। काश काश वो समझ सकती। कल मुझे लगा वो मुझे प्यार करती है, चाहती है, शायद इसलिए मेरे पास आई। मुझे बहुत बुरा लगा आंटी। क्यों बुरा लग रहा है? आई मिस माई मॉम आंटी, मैं जब भी अपनी मॉम को मिस करती हूँ ना, मैं बस आपके बारे में सोचती हूँ। I just keep thinking about you. जब आप मेरे सामने आ जाती है ना, मेरे पास होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम मेरे साथ है, मेरे पास है। मैंने अपनी अपनी लाइफ में अपने डैड और अपनी बूजी के अलावा कभी किसी को नहीं चाहा। But I really love you. मैं आपको दुखी नहीं देख सकती आंटी। If you're sad, I feel sad. आंटी प्लीज आप कभी सैड मत फील करना, प्लीज। आओ इधर आओ, इधर आओ, कम है। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ। कि मेरी जिंदगी में भी कोई है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे मैं बहुत मिस करती, तुम्हें देख के वो याद आ जाती है। मैं कहता है मेरी एक और बेटी है, लेकिन वो अपने पापा के पास से मेरे पास नहीं। तुम सामने आती हो ना, वो वापस मेरे पास आ गई। तेरे तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं है शायद, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत फिक्र रहती हूँ तुम्हारी।
मेरे साथ एक डील करोगे? डील? कैसी डील? तुम मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें वापस दे दूँ, तुम मेरी बेटी बन जाओ, मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। मैंने उसे बेटी समझा और वो प्राची को ही मुझसे दूर करने चली थी। मैम, कुछ कन्फेस किया क्या उस ट्रक ड्राइवर ने? यार, मेरे को लगता नहीं कि उसने कुछ कन्फेस किया। रिया, तुम अभी तक हॉस्पिटल में हो? हाँ, बस अभी पहुंची। मैं जिसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मुझे उसका चेहरा देखना पड़ रहा है। And this is all because of Dad. This is all because of him. प्राची के रूम में हो? नहीं, उसके रूम के बाहर हूँ। अगर तुमने उसे ब्लड दे दिया है तो वहाँ क्या कर रही हो? घर आ जाओ ना। दे दिया बूजी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि प्राची को कोई और डोनर मिल गया। वैसे अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि मैं प्राची को अपना कुछ नहीं देना चाहती। उसने ऑलरेडी मुझसे मेरा रणबीर छीन लिया, और डैड भी हमेशा उसके बारे में ही बात करते रहते हैं। मैं उसे अपना कुछ नहीं दूंगी बुजी, कुछ नहीं दूंगी। और बुजी, डैड और प्राची के बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन है? लाइक व्हाट इज अप विद देम? उन दोनों के बीच में क्या है कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप भी मैच करता है? उन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्शन है ऐसा? रिया, कुछ ही तो ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब सबके ब्लड ग्रुप यूनिक तो नहीं हो सकते ना। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। अब जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है वो किसी और का भी तो हो सकता है। बूजी, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। ओके, मेरा और डैड का ब्लड ग्रुप मैच करता है, दैट्स फाइन, लेकिन प्राची और डैड का कैसे मैच कर सकता है? कम ऑन रिया, मैं कह रही हूं ना, जस्ट अ कोइंसिडेंस, जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। बूजी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। यू स्टॉप ओवरथिंकिंग और सीधे घर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है बूजी। वन सेकंड रिया, एक काम करो, तुम अभी भाई को फोन करके बताओ कि तुमने प्राची को ब्लड दे दिया है। व्हाट? मुझे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? जब प्राची को ब्लड मिल चुका है तो फिर मैं डैड से झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि कभी कभी झूठ सच पर भारी पड़ जाता है। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मेरे माइंड में कुछ चल रहा है मुझे, प्लीज। मैं या मेरिट में आना है ना, अपने डैड की गुड बुक्स में आना चाहती हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। फाइन, ओके, आई विल डू इट। गुड। चलो, मैं हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। अरे लो, रिया का ही फोन आ गया। हेलो। हाँ डैड, मैंने प्राची को अपना ब्लड दे दिया। That's like my daughter. That's really, really good. और अब प्राची कैसी है? हाँ ठीक है, पहले से बेटर है। गुड, जरा उसकी मॉम से बात करवाना। प्राची की मॉम यहाँ नहीं है डैड। कहाँ? I don't know, I think किसी काम से बाहर गए। Actually, मैंने भी किसी से सुना था कि वो किसी काम से बाहर गए। अच्छा, तो रिया तुम एक काम करो, जितने बिल्स हुए ना प्राची के, तुम उन्हें जमा करना और मैं ड्राइवर को भिजवाता हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ। I want you to pay everything, huh? हाँ डैड, I'll do it. और बिल पे करने के बाद कार्ड प्राची की माम को ऐसे तरीके से देना कि वो मना ना कर सके। डैड, अगर पूरा पेमेंट हो जाएगा तो फिर उन्हें क्रेडिट कार्ड देने की क्या जरूरत है? रिया, ऐसे वक्त में जो भी सपोर्ट मिले ना, उसे स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी मॉम को अच्छा लगेगा। ठीक है? ओके डैड, जैसा आप बोले। सारी बातें तू रिया से कर रहा है तो खुद क्यों नहीं चला जाता और जाके उनकी स्ट्रेंथ बन जाता? ठीक तो कह रही है बीजी, पर इसके तो हाथ में चोट लगी हुई है बीजी, ये कैसे चलाएगा गाड़ी, ये कैसे जाएगा? ओहो, जिस ड्राइवर के साथ कार्ड भेज रहा है उसी के साथ बैठ के चला जा। अरे जब तुझे इतने माँ बेटे की परवाह है तो जाके उनको कंधा देना। सही तो बोल रही हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है। तुझे उसके लिए इतना परेशान देख के ऐसा लग रहा है कि तू अपनी बेटी के लिए परेशान है। बेटी समझ लो, बेटी जैसी तो है। जब बेटी का है बाप बनने का फर्ज भी अदा कर, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है बलजीत,
I'm going. God. What the hell? ये जगह कितनी depressing है. मैं कब यहाँ से बाहर निकलूँगी? How's Prachi doing? वो किसी भी ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है. डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. ब्लड लॉस और इंटरनल ब्लीडिंग से रिकवर करने के बाद में अभी तक होश नहीं आया. कभी कुछ भी कहना मुश्किल है. थैंक यू. शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. दैट्स अ गुड न्यूज. डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्राची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. लेकिन मैं सब जानती हूँ. मैं जानती हूँ कि प्राची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है. She gave me a bad time and now she is going through a very bad time. वो मेरे रणबीर को मुझसे कहीं दूर ले जाना चाहती थी. अब लाइफ ही उससे दूर जा रही है. अच्छा है, चली जाएगी तो लाइफ पहले जैसे हो जाएगी. मैं और रणबीर और कोई नहीं. Oh God. जल्दी से ड्राइवर आ जाए और मैं यहाँ का बिल का पेमेंट कर दूँ. फिर मैं इस डिप्रेसिंग जगह से बाहर निकल जाऊँ. हाँ विपक, आपने रक्तदान नहीं किया, जीवन दान किया. अगर आपने खून नहीं दिया होता तो पता नहीं मेरी प्राची के साथ क्या होगा. मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी. आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहो. इसके साथ पकड़ी गई है आपकी बेटी. बैग से निकला है इसके, इसीलिए अरेस्ट किया इसको. इसके बैग में जो ड्रग्स मिले थे ना, वो निस ने डाले थे, पर रखवाए थे रिया ने. बर्थडे पार्टी में जब प्राची और शाना वेटर बने थे ना, तब उस पर चोरी का इल्जाम लगा था. वो भी रिया ने लगवाया था. आज तक प्राची के साथ जो भी गलत हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिया ने ही करवाया है. तुम्हारी नजर अपने इस डब्बे से हटेगी तब तो तुम सामने देख पाओगी ना. एटीट्यूड तुम पे सूट नहीं करता यहाँ. तुम्हें रखना तो रख लो, नॉट अ बिग डील, बट सब कुछ बहुत जल्द ना टूटने वाला है, खत्म होने वाला है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारा सबसे क्लोज रिलेशन वो भी खत्म हो जाएगा. तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने ही जैसा एक कोई छोटा दिमाग वाला ढूंढ लो. आई मीन टाइम पास के लिए कोई तो चाहिए है ना. तुम ना, तुम अपने बहुत अच्छे पापा पर एक बहुत ही गंदा धब्बा हो. जितने अच्छे तुम्हारे पापा है ना, उतनी बुरी तुम हो. The hell did you just say, huh? Mind your language. Hey, मैं दिमाग से बात नहीं करती, मैं दिल से बात कर रही हूँ, ठीक है? पर तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ. तुम ये सब प्राची के लिए बोल रही हो ना. तुम तो रोज प्रे करती होगी कि प्राची वो कोमा में चली जाए. तुम तो रोज दुआएं मांग रही होगी कि प्राची वो तो मर. मेरा सर कितने अच्छे हैं, वो मुझे, प्राची को, सरिता आंटी, मासी, हम सबको अपनी फैमिली मानते हैं. और फैमिली हाँ, फैमिली माय फुट. एक बार जाकर ना रिसेप्शन पे पता कर लो कि बिल किसने पे किया है. जी हाँ, तुम्हारे पापा ने बिल पे किया है क्योंकि वो हम सबकी परवाह करते हैं, हमें अपनी फैमिली मानते हैं. वी आर फैमिली. बाय द वे, हमारी फैमिली की भी ना आदत है भिखारियों को दान देना. हमारे घर में जो भी भिखारी आता है ना, हम उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसे दान देते. और उसे अगर ऐसा लगता है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुका है तो वो उसके छोटे दिमाग का प्रॉब्लम है, हमारे बड़े दिल का नहीं. और मैं यहाँ इसीलिए आई थी पैसे देने. और पैसे चाहिए तो बता देना, मांग लेना, लेकिन हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के बारे में सोचना मत.
क्या हुआ? ओ वन सेकेंड, सच सुनाई दिया तो तुम चुप हो गई? बेटर ट्रुथ था आज रियलिटी, व्हाट टू डू। वैसे तुम जैसे लोग ना ऐसे ही होते हैं, आईने में सिर्फ अपनी शक्ल देखते हैं, उसके पीछे की रियलिटी नहीं देखते। कोई बात नहीं, सपने देखना है ना, देखते रहो, बहुत जल्द सब कुछ टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे कब ये ड्राइवर आएगा कार्ड लेकर? क्या हुआ, और पैसे चाहिए? नहीं ना, तो जाओ यहां से, आया रास्ता। ये ड्राइवर कब आएगा मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर, और कब मैं इन भिखारियों का पैसा क्लियर करूंगा? शॉपिंग भी अधूरी है। क्या क्या हुआ? रो क्यों रही है? तू बैठ, पहले बैठ, बस कर, रो क्यों रही है बता ना, क्या हुआ? प्राची को क्या? प्राची को जो मुझे मारना चाहता हूँ। कौन है वो? वो रिया है। रिया? वो मिस्टर मेहरा की बेटी? ना 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 बेटा ना, कुछ गलतफहमी हुई होगी तेरे को। वो नहीं, मुझे भी यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं हो रहा था सरिता जी। उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे रिया के मैसेजेस, उसके फोन कॉल्स, यहाँ तक कि प्राची की फोटो दिखाई अपने फोन में जो रिया ने भेजी थी। जब से शहर में आए हैं, जो प्राची के साथ हर एक चीज गलत हुई, सब कुछ रिया ने किया, और मैं देख नहीं पाई, मैंने रिया को घर में बुलाया। मैं कैसे? डॉक्टर साहब, मैं एक बार प्राची से मिल सकती हूँ प्लीज? नो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग रुक गई है, हम ब्लड दे चुके, फिर भी पता नहीं प्राची को होश नहीं आ रहा है। तो आप कुछ कीजिए ना, उसे होश में लाइए। मैंने अपने सीनियर को बुलाया है, वो आके चेक करेंगे। अगर 45 मिनट तक होश नहीं आया तो प्राची को क्या? अगर होश नहीं आया तो आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? अगर 45 मिनट तक होश नहीं आया तो प्राची कोमा में जा सकती है। पता था रिया को, सब पता था रिया को। हाँ मासी, आप भी मैं मिली उससे, पता है उसने क्या कहा? कि मेरा सर और कोहली फैमिली से हमारा रिश्ता टूटने वाला है। और पता है वो क्या कहना चाहती थी? कि प्राची नहीं रहेगी तो कि रिश्ता मिलना मिलाना ये सब कैसा। पर एक मिनट, रिया को प्राची की हालत के बारे में कैसे पता चला? शायद डॉक्टर ने बताया होगा। यहाँ पर प्राची आईसीयू में है और वो कितनी खुश है, हम लोग यहाँ रो रहे हैं और उसके उसके चेहरे पर हंसी है। कहाँ है रिया? बाहर बेंच पर बैठी है कॉरिडोर में। तू रुक, मैं देखती हूँ। बस 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 बस, देख साफ साफ बता, तुझे प्राची का एक्सीडेंट करने के लिए किसने बोला? मैंने कहा ना, देखो वो पुलिस आ रही है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे गांव जाना है, मेरी माँ का ऑपरेशन है, अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो मेरी माँ का ऑपरेशन, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वाह, दूसरों की जान लेने वाला जान बचाने की बातें कर रहा है। और सुन, झूठी कहानियां मत बता, जो पूछ रहा हूँ सच सच बता। मैं कहानियां नहीं बता रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करने के लिए दिल है तेरे पास? हाँ, जब प्राची एक्सीडेंट कर रहा था तब कहाँ गया तेरा दिल?
सजा तो मिलेगी बॉस, मिलेगी। अगर मैं पकड़ा गया तो गांव नहीं जा पाऊंगा, और गांव नहीं गया तो माँ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। देख देख देख, सुन सुन सुन, पुलिस पुलिस वाले आने वाले। क्या नाम था उसका? मुझे खोलो। क्या नाम था उसका? देखो पुलिस आ रही है। क्या नाम था उसका? मुझे छोड़ो। देख आराम से, आराम से। तेरी रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? गाड़ी कहाँ जा? छोड़ने मत, पुलिस आ रही है। रुक रुक रणवीर, काट लिया यार, इससे बाहर जा। तेरी तो रुक रे। तो अब अभी अब क्या होगा? बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। राम प्यारे सिर्फ हमारे स्पेशल पार्टनर जेड ब्लैक अगरबत्ती 5 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। आज तक प्राची के साथ जो भी गलत हुआ है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिया ने करवाया। तुम मेरी बेटी बन जाओ, मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। हम लोग यहाँ रो रहे, उसके चेहरे पर हंसी है,